हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेईई एंड गुजकेट। डियर स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकेट 2019। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 37। अ कॉइल ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग 25 टन्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 ओम। इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकंड, द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज ब्लैंक कूलम। तो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है और कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे ये कॉइल में कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। चार्ज इंड्यूस मतलब क्यू, क्यू फाइंड करना है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे चार्ज क्यू, फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस के बीच का अगर कोई फॉर्मूला है तो वो यूज करना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। तो हमारा हो जाएगा बच्चों क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। वॉट इज डेल्टा फाई? चेंज इन फ्लक्स, दैट इज इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स। सो फाई आई माइनस फाई एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब बच्चों, ये रिलेशन कैसे आया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चों, हमें पता है ये तो कि ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। अब ये भी मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब वी एंड ई दोनों सेम है बिकॉज ये ई एम एफ है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज एंड ई एम एफ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वी की जगह पर ये लिख दो, दैट इज एन डी फाई बाय आर डी टी हो जाएगा। अब मुझे किसके बीच का रिलेशन चाहिए बच्चों, क्यू आर एंड डी फाई, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। तो अगर मैं आई को इन टर्म्स ऑफ क्यू लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। आई को हम इन टर्म्स ऑफ क्यू लिख सकते हैं, यस, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो मेरा हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई आर डी टी। अब टी इज इक्वल टू 1 सेकंड ले लेते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो हमारा काम हो गया, ओके, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इफ द कॉइल इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकंड। मतलब हम फाइनली क्या कर रहे हैं कि कॉइल को निकाल दे रहे हैं, मतलब फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, फाई आई डिवाइडेड बाय आर। अब व्हाट इज फाई आई? एन बी ए साइन थीटा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए साइन थीटा। बट यहाँ पे बच्चों थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा बिकॉज द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1। तो सिर्फ क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइडेड बाई आर। नाउ व्हाट इज एन नंबर ऑफ टन्स? यहाँ पे कितने टन्स है बच्चों, 25 मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज 0.02। एंड व्हाट इज ए एरिया? एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें हमें अगर हम, तो ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम। ये सब वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 0.01 कूलम। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ JWL इज ब्लैंक, टेक क्यू एज डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों, ये क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है कि ये क्वांटिटी कौन सी है। JWL मतलब कौन सी क्वांटिटी, ऐसी कोई क्वांटिटी हमने तो अभी तक मतलब हमारे सिलेबस में नहीं आई है। अगर हम J को सपोज मान ले जूल एंड W को वॉट मान ले एंड L को लेंथ मान ले तो भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें से किसी के साथ मैच नहीं होता है। अगर मैं J को जूल मानूँ, W को वॉट मानूँ और L को लेंथ माने तो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब ये मतलब थोड़ा गलत है और क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बोनस आंसर, बोनस क्वेश्चन है, तो आपको बोनस मिल जाएगा, इसका 1 मार्क मिल गया होगा उस टाइम में, क्लियर।
Now next, question number 39. If in an AC circuit, in AC, LC series circuit, XC greater than XL, hence potential blank. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक LC सर्किट है जिसको हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है. तो मेरे पास LC सर्किट है, इंडक्टर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, उसको हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है. अब XL मतलब बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और यहाँ पे क्लियरली बोला XC ग्रेटर देन XL, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो है लेकिन यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब दिस सर्किट इज डोमिनेटेड बाय द कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ सिंपल, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा बच्चों हमारा, ये करंट होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज रिप्रेजेंट करते, वोल्टेज फेजर दैट इज वी एल, और नीचे क्या आएगा वी सी. बिकॉज हमें पता है इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, तो ये वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय पाई बाय टू. एंड इन कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू. तो यहाँ पे देख सकते हो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू. तो ये हमारा एलसी सर्किट का फेजर डायग्राम है. अभी हमने ये कंसीडर, ये जो कंडीशन है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ हमने एक सिंपल फेजर डायग्राम ड्रॉ किया फॉर एलसी सर्किट. अगर हम ये कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, दैट इज एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल मतलब वीसी ग्रेटर देन वीएल, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल मतलब वीसी ग्रेटर देन वीएल. तो अगर वीसी वीएल से ज्यादा है तो हमारा फेजर कैसे आएगा बच्चों, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे आएगा, दैट इज वीसी माइनस वीएल, बिकॉज वीसी वीएल से ज्यादा है मैग्नीट्यूड में. तो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा डिफरेंस, और डिफरेंस कहाँ पे आएगा, नीचे ही आएगा, बिकॉज VC इज ग्रेटर देन VL. तो हमारा फेजर डायग्राम कहाँ पे आएगा, नीचे, दैट इज VC माइनस VL एंड I, दैट इज ऑन X एक्सिस. तो यहाँ पे आप देखो करंट वोल्टेज, जो नेट वोल्टेज है, ये दोनों का जो नेट वोल्टेज है VC माइनस VL, उसको करंट पाई बाय टू से लीड कर रहा है. सो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू. और यहाँ पे हमें बोला है कि हैंस पोटेंशियल, यहाँ पे करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू, और ऐसा भी लिख सकते हैं वोल्टेज लैगिंग द करंट बाय पाई बाय टू. इट मीन्स दैट पोटेंशियल लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय टू. क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पता चल गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40. इन एलसीआर सर्किट एल इज इक्वल टू 9 हेनरी, आर इज इक्वल टू 10 ओम एंड सी इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेराडे, हैंस क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज ब्लैंक. तो बच्चों यहाँ पे हमें एलसीआर सर्किट का क्यू फैक्टर फाइंड करना है, तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो हमारे पास क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है 1 ओवर आर स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल डिवाइडेड बाई आर. मतलब ये फॉर्मूला जो है वो है क्यू इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर रूट एल बाई सी. अगर मैं ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज द एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब ओमेगा नॉट की जगह पे अगर मैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एलसी लिख दूं, व्हाट इज ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एलसी. तो यहाँ पे अगर मैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एलसी लिख दूं और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा, दैट इज 1 ओवर आर स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय सी. अब आर की वैल्यू हमें पता है, एल पता है, सी पता है, तो सब वैल्यू यहाँ पे रख दो. तो 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 9 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू माइनस 6, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसआई यूनिट में. और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आएगा 30. सो क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 30. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा गुजकेट 2019 का फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन फिनिश होता है. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकेट 2019. तो आई होप आपको ये पूरे गुजकेट 2019 के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के हमने सॉल्व किए उसमें पता चल गया होगा. सो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर पेपर्स ऑफ द गुजकेट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.